जयस्तंभ चौक के पास सुलची थाली रेस्टोरेंट है और इसके संचालक जो है रुपेश जी हमारे साथ हैं। रुपेश जी, सुलची तो नाम हमने पढ़ लिया जी। कुछ दिन से लिखा हुआ है ससुराल जैसा स्वाद, ससुराल जैसा खाना, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यही राज है कि बहुत सारे कस्टमर्स ने, जैसे हमारा पहले ये लिखा हुआ था घर जैसा भोजन, खाना खाने के बाद ये बोल रहे थे कि आप ये नाम चेंज करो, यहाँ घर जैसा की जगह लिखो ससुराल जैसा भोजन, क्योंकि हमको खाना खा के बोले ससुराल की याद आ गई। बोले कि हमारा ससुराल में भी इसी तरह आओ भगत और ऐसे ही खाना सबका अच्छा है। जी जी, क्या वैरायटी है थाली के अलग अलग की खास बात है? थाली में नॉर्मल जो थाली लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और दूसरी वाली में अपनी दाल बाटी चूरमा, क्योंकि केवल स्पेशली जो दाल बाटी का सोच है ये ज़्यादा हैवी होता है। चलिए अब स्वाद लेते हैं। इतना बहुत तारीफ करती है अपने रेस्टोरेंट की, अब ज़रूरत है कि हम आपको बताएं कि यहाँ का स्वाद कैसा है। खाली है, इसके बाद इसमें जो है तमाम जितने भी आइटम्स हैं ये परोसते हैं, बनाते जाते हैं, डालते जाते हैं, और ये अब हमको ब्रीफ करनी क्या क्या सामान इसके अंदर डाल रहे हैं, क्या क्या आइटम डाल रहे हैं। देखिए ये सब आइटम ना एकदम फ्रेश है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है सुबह से लेकर रात तक, और ये कंटिन्यूस बनाते जाते हैं। गर्मा गर्म रोटी, जैसे कि आपको लगता है कि आप अगर ससुराल में जाते हैं और सासू माँ के हाथ का आपको जो है वहाँ खाना मिलता है, गर्मा गर्म रोटी मिलती है, वैसे यहाँ पर तवे से निकाल रहे हैं सीधे रोटियाँ और ऊपर से जा रही है। इसमें सलाद है और एक मीठे दो डिश हैं, और इसके अलावा तीन चार वैरायटी की तस्ती है। तो ये देखिए अब हमारे लिए थाली लग गई है और ये हम हमारे लिए परसने जा रहे हैं भाई साहब। तो ये स्पेशल थाली जो है वो सर्व हो चुकी है पापा के लिए। तो आज हम लोग पहुँचे हैं जयस्तंभ में, है सुरुचि थाली रेस्टोरेंट, और हमारी थाली आ गई है। तो आज के मेन्यू में मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या है। ये दो तवा रोटी है और एक मिर्ची रोटी है, इसके अलावा दाल है, पनीर की सब्ज़ी है, चना की सब्ज़ी है, एक रायता है, मिक्स वेज है, और मीठे में है मालपुआ। बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही टेस्टी सारा खाना।